हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर से एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट सब टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस, इन तीनों फिजिकल स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से पता है, तो इस टॉपिक को वापस से डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एक बार वापस से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड को बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अमोर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस ये दोनों नाम आपने पहले सुने हुए, लेकिन इनका जो डिफरेंस है या किस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन किया जाता है या किस तरीके से अमोर्फस सॉलिड को डिफाइन किया जाता है, ये आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड पे हमें फोकस करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को और फोर टाइप से हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कैटेगरीज क्या होगी और कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से टाइप का सॉलिड आएगा, ये आगे चैप्टर में हमें पता चलेगा। यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है। यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी को आपको समझना है, क्योंकि इस थ्योरी से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन जेईई मेन में भी आपको मिलेंगे, बोर्ड में मिलेंगे। इसके बाद का ये जो पोर्शन है, जैसे कि स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है, यहीं से सॉलिड स्टेट का मेन पोर्शन स्टार्ट होगा। और यहाँ पर बेसिकली इमेजिनेशन की बहुत अच्छे से ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो कुछ एक दो एनिमेशन के वीडियोस भी आपको दिखाए जाएंगे, उन एनिमेशन के वीडियोस से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्पेस लैटिस है या यूनिट सेल है, ये किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये पता है आपको? अरे सब जानते हैं कि मान लो कि कोई भी सब्सटेंस है जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है इसका, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, या मास को तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। 1 किलो सॉलिड सब्सटेंस आपने लिया तो 1 किलो ही रहेगा, उसका शेप वॉल्यूम या मास ये सब डेफिनेट होते हैं। और क्या पता है, सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ही ज़्यादा पास में है तो इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ये सारी बातें आपको पता है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंसेस किसके बीच में, बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। सॉलिड के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा सॉलिड आपने लिया है। इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी शॉर्ट। और क्या बोल सकते हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। और बताइए, सॉलिड सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं ये अपने पोजीशन पर फिक्स होते हैं, ये ना तो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं ना रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, ये केवल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आपको पता है, पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, दे कैन ओनली ऑसिलेट about their mean position। यहां पे कोई ट्रांसलेशन या रोटेशन ऑफ पार्टिकल, इस टाइप की मोशन यहां पे पॉसिबल नहीं है अगर सॉलिड स्टेट है तो। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं ये फिक्स होते हैं, फिक्स होता है तो केवल ऑसिलेट मतलब कि वाइब्रेट ये कर सकते हैं। और यहां पे क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, हाँ, और आपको क्या पता है कि सॉलिड जो होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। जैसे मान लो कि सॉलिड में एक मेटलिक सॉलिड भी होता है, मेटल्स है, मेटल्स की और भी प्रॉपर्टीज आपको पता है, जैसे कि मेटल्स डक्टाइल होती है, मैलियेबल होती है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड होता है, ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज आपने देख लिया किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए। अब एक पॉइंट आप और देखना कि कोई भी सब्सटेंस आपको दे रखा है तो इस सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है, मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट है, ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये किस पर डिपेंड करता है।
तो सबसे पहले तो आप एक बात ये फिक्स कर दिया करो कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप फिजिकल स्टेट देख रहे हो तो उसके लिए आपको प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करके या टेम्परेचर को डिक्रीज करके किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज किया जा सकता है। जैसे वाटर की अगर बात करें तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे क्या होता है, सॉलिड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्या होता है, लिक्विड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्या होता है, गैस। तो कोई भी कांस्टेंट प्रेशर या कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही किसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट का बात हमें करना है। तो आपको क्या डिसाइड करना है कि कोई भी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा है। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ये पार्टिकल्स बेसिकली पास में होंगे, जितना ज्यादा पास में होंगे सॉलिड स्टेट आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो एक बात तो आपको क्या पता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है। और एक और फैक्टर अपने पास क्या होता है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से पार्टिकल्स के पास थर्मल एनर्जी है, तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये अपनी मीन पोजीशन से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड जा सकता है, लिक्विड से गैस जा सकता है। तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा क्या हो गया, थर्मल एनर्जी। इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है, मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट है, वो क्या होगा। या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपके पास मल्टीपल चॉइस में स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है। क्या पॉइंट है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर आपको फिक्स करना ही है, क्योंकि टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने से सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर्स है, एक तो हो गया इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, इट टेंड्स टू कीप कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने सब्सटेंस कौन सा चूज किया है। इट टेंड्स टू कीप कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स टुगेदर एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, जितना ज्यादा पास में होंगे उतना ज्यादा सॉलिड स्टेट आने का प्रोबेबिलिटी है। और सेकंड फैक्टर अपने पास कौन सा होगा, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या करता है, इट टेंड्स टू कीप देम अपार्ट, टू कीप देम, देम मतलब जो अपने पास कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, इट टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। थर्मल एनर्जी की वजह से कांस्टेंट पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे, जितना ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे एक दूसरे से दूर जाने की इनकी प्रोबेबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट आने का प्रोबेबिलिटी है। तो कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर पे किसी भी सब्सटेंस का मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट कौन सा होगा, ये बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी आपको लग ही रहा है, नाम से लग रहा है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप टेम्परेचर कम कर दो, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी कम हो जाएगा। थर्मल एनर्जी कम होने से मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल्स का अगर मोशन फिक्स हो गया तो उसको फिर क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट आ सकता है। और बिल्कुल हमें ये पता ही है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉलिड स्टेट की तरफ जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई गैस ही पकड़ लो, CO2 गैस क्या होता है, गैस ही होता है, लेकिन अगर आप इसको भी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे अगर ले जाओ तो उसको लिक्विफाई किया जा सकता है, और ज़्यादा टेम्परेचर रिड्यूस कर दो तो CO2 गैस को सॉलिड स्टेट में भी चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ लिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लिया। अब हम आ जाते हैं सॉलिड्स पे।
तो सॉलिड्स अपन किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, टू टाइप ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे इसका बेसिस आप देखना, बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सॉलिड स्टेट अब स्टार्ट हो रहा है। बेसिस क्या है कि कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर को आप देखो, इस सॉलिड स्ट्रक्चर में कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। अब ये कांस्टेंट पार्टिकल्स का 3D स्पेस में किस तरीके का अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट बहुत रेगुलर है या बहुत ही इररेगुलर है, तो बेसिकली टाइप ऑफ अरेंजमेंट से आप निकालते हो। एक अपने पास यहाँ पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या आता है, अमोर्फस सॉलिड। तो बेसिस अपने पास क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट अगर होगा तो ऐसे नाम से ही लग रहा है कि अच्छा अरेंजमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अरेंजमेंट नहीं होगा, बिल्कुल डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा तो उसको क्या बोल सकते हैं, अमोर्फस सॉलिड। तो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अमोर्फस सॉलिड है, और इन दोनों में हमें क्लासिफिकेशन करना है या फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको बताना है। तो एक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हो गया अमोर्फस सॉलिड। कोई भी सॉलिड अगर आपको दे दिया जाए, कोई भी सब्सटेंस आपको दे दिया जाए, तो ये थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमोर्फस सॉलिड में क्लासिफाई कर पाओगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड का इंडिविजुअल हम ऐसे डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, यहीं से हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल से इन दोनों के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस हम बताएंगे। टोटल 7 to 8 डिफरेंसेस हमें डिस्कस करने हैं। पहला डिफरेंस तो यहीं से आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, क्योंकि इसी बेसिस पे आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड को क्लासिफाई किया है। तो एक हो गया क्रिस्टलाइन, दूसरा हो गया अमोर्फस। अब पहला डिफरेंस आप देखना, कांस्टेंट पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स अपने पास क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, आर अरेंज्ड। यहां पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आर अरेंज्ड इन रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। बहुत ही रेगुलर पैटर्न होता है, उसी रेगुलर पैटर्न में कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। बहुत ही लंबी दूरी तक इसी तरीके का अरेंजमेंट चलता रहेगा, अरेंजमेंट बहुत अच्छा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहां पे बेसिकली नॉट रेगुलर अरेंजमेंट, इररेगुलर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप पता चल जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमोर्फस सॉलिड है। सेकंड पॉइंट अपने पास क्या हो गया कि इसका एग्जांपल क्या है। अब फिलहाल तो आप एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि एग्जांपल में अपने पास क्या हो गया, मेटल्स क्रिस्टलाइन होते हैं। तो कोई भी मेटल आप ले लो, जैसे मान लो कॉपर सॉलिड हो गया, आयरन सॉलिड हो गया, एजी सॉलिड हो गया, आयनिक कंपाउंड भी क्रिस्टलाइन ही होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में कैटायंस और एनायंस का एक रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होता है। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, K2SO4 हो गया, ZnSO4 हो गया, कोई भी आयनिक सॉलिड आपने ले लिया। इनफैक्ट आपको ये भी पता है, ये पढ़ ही रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में आपने पढ़ा था कि डायमंड हो गया या ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है कार्बन के। तो डायमंड और ग्रेफाइट को किस टाइप के सॉलिड में क्लासिफाई करेंगे, इसका बेसिकली जनरल नेम क्या होगा, वो सब आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये पता चल गया कि मेटल्स भी क्रिस्टलाइन होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स भी क्रिस्टलाइन होते हैं। तो सबसे पहले तो ये दो स्पेसिफिक कंपाउंड ही आपको पता चल गए। तो ऐसे अगर कंपाउंड का लिस्ट दिया जाए तो उसमें आप ये देख सकते हो कि मेटलिक सॉलिड मतलब मेटल कौन सा है, आयनिक सॉलिड कौन सा है, ये दोनों तो पक्का क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में ही आएंगे। और भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में कौन आएंगे वो सब आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है। यहाँ पे अमोर्फस में अपने पास क्या हो गया, जैसे कि रबर हो गया, ग्लास हो गया, फाइबर हो गया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोई भी टाइप का रबर हो सकता है, कोई भी टाइप का ग्लास हो सकता है, किसी भी टाइप का फाइबर हो सकता है, या इवन अपन और क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स मतलब क्या हो गया, पॉलीमर। किसी भी टाइप का पॉलीमर अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलना पड़ेगा कि ये अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। दो डिफरेंस आपने देख लिया, अब इसके आगे के डिफरेंस भी हमें देखना है।
रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है और यहाँ पर रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो इसी के बेसिस पे थर्ड डिफरेंस अपने पास क्या आता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और यहां पे क्या प्रेजेंट होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस तक रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको मिलेगा, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस तक, तो उसको क्या बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और अगर मान लीजिए कि अमोर्फस सॉलिड की बात की जाए तो अमोर्फस सॉलिड में रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मिलता है, उसके बाद वापस से पैटर्न चेंज हो जाता है, तो एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं इररेगुलर, इसको क्या बोल सकते हैं रेगुलर। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपने पास क्या है, इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। ठीक है भाई, अच्छा एकदम ट्रू सॉलिड है, सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को ये डिफाइन करते हैं, इनको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड या और क्या बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। एक बात बताओ लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऐसा ही लिख रहा हूं मैं, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होता है ना फ्लूडिटी, या गैस की प्रॉपर्टी होती है फ्लूडिटी, बहते हैं बेसिकली। तो जैसे मान लो कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी अपने पास पॉलीकार्बोनेट के ग्लास होते हैं, नॉर्मली आज जो प्लास्टिक वाले ग्लास आते हैं किसी भी विंडो पे अगर लगे हुए तो 10-20 साल आप उसको 10-20 साल के बाद आप नोटिस करना कि लेट अस से कि शुरुआत में उसका जो थिकनेस है कुछ ऐसा था, ये विंडो का टॉप है, ये विंडो का बॉटम है, ऊपर से लेके नीचे तक इसका थिकनेस पहले यूनिफॉर्म था, लेकिन आपको बताइए कि ये जो ग्लास है ये कैसा है, अमोर्फस है। अब अमोर्फस को हम क्या बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, तो इसकी जो फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होती है, लेकिन फिर भी इसके पास फ्लूडिटी की प्रॉपर्टीज होती है। तो 10 से 20 साल बाद अगर नोटिस करेंगे ना तो यहाँ पे ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि यहाँ से ये जो ग्लास है ये बह के फ्लो होके नीचे चला गया और यहाँ पे जो थिकनेस है ये इंक्रीज कर जाएगा। तो इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से भी आप पता कर सकते हो कि ये जो ग्लास है ये बेसिकली अमोर्फस होता है और यहाँ पे इसको और क्या बोला जा सकता है सुपर कूल्ड लिक्विड। टोटल 4 डिफरेंसेस आपने देख लिए, इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है। हाँ, अगर मान लो कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसको बेसिकली चाकू से आप काटो, शार्प एज टूल से काटो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करने के बाद 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, तो पार्ट्स की जो सरफेस होती है वो सरफेस बहुत स्मूथ होती है। अमोर्फस सब्सटेंस को अगर कट करेंगे तो यहां पर बेसिकली अनइवन सरफेस आपको मिलेगा। व्हेन कट विद शार्प एज टूल, जैसे मान लो कि नाइफ से आप इसको कट कर रहे हो, स्मूथ सरफेस इज जनरेटेड यहां पर, अनइवन सरफेस इज जनरेटेड व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल। तो यह भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकली आप पता कर सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस आपको दे रखा है तो क्रिस्टलाइन होगा या अमोर्फस होगा, इस प्रैक्टिकल मेथड से भी पता किया जा सकता है। नेक्स्ट और क्या डिफरेंस हो सकता है, हाँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, और यहां पे बोल सकते हैं डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस को पता करने का। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है, जैसे मान लो कि वाटर है, वाटर भी क्रिस्टलाइन होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसे हीट करो ये लिक्विड में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 100 के ऊपर गए, 100.001 भी आप गए, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से गैस में। तो ये बेसिकली किसकी बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की, अभी किसकी बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ऊपर आएंगे तो ये जो वाटर होता है आइस, मतलब सॉलिड स्टेट से कहाँ चला जाएगा लिक्विड में, एकदम शार्प चेंज आता है फिजिकल स्टेट में। लेकिन अमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अमोर्फस सॉलिड का क्या होता है कि आप इस सब्सटेंस को हीट करते रहो तो एक टेम्परेचर की रेंज पे ये मेल्ट करेगा, ये पहले थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा। जैसे मान लो कि आपको प्लास्टिक को देख के ही लगता है, प्लास्टिक को सब हर किसी ने जला रखा है, प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो क्या होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पे ये सॉफ्ट होता है, बहुत समय के बाद ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या बोला जा सकता है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली एक रेंज में होते हैं और यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक बात और लिखा जा सकता है सॉफ्टन्स ओवर अ टेम्परेचर रेंज। जैसे मान लो कि
100 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप प्लास्टिक को हीट करते रहे तब तक वो सॉफ्ट ही होता रहेगा, फिर उसके आगे और हीट करेंगे तो शायद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, डिफ्यूज्ड रेंज होता है और यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहो, अब ये हाइपोथेटिकल ग्राफ है, ये केवल आपको दिखाने का तरीका है कि शार्प का मतलब क्या होता है और डिफ्यूज्ड चेंज का मतलब क्या होता है। शार्प चेंज का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, ये लिक्विड है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को आपने रिड्यूस कर दिया तब वो लिक्विड है, उसके बाद एकदम से क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, तो एकदम शार्प चेंज आएगा, ये सॉलिड में चेंज हो गया, लिक्विड टू सॉलिड। कितनी टेम्परेचर रेंज में या कितना टेम्परेचर डिक्रीज करने से लिक्विड से सॉलिड में चला गया, एग्जैक्टली माइनर या बहुत ही नेग्लेजिबल चेंज आपने किया है, एकदम शार्प चेंज आया लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में। उसके बाद मान लो कि सॉलिड से और कहीं तो जा नहीं सकता, तो आप बस बेसिकली टेम्परेचर इसका रिड्यूस कर सकते हो, टेम्परेचर रिड्यूस करते जाओ तब भी ये सॉलिड स्टेट में ही होगा, ठंडा होता जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ ऐसा आएगा, इसको अगर आप लिक्विड भी मानो, तो जैसे मान लो कि ये लिक्विड से कहाँ जा रहा है, सॉलिड की तरफ, तो लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए इसको कितना टेम्परेचर लग रहा है, बेसिकली इस टेम्परेचर रेंज में ये ऐसा हो रहा है, तो टेम्परेचर रेंज बहुत बड़ा है, डिफ्यूज्ड टेम्परेचर रेंज है, इसीलिए इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, अमोर्फस सॉलिड, और यहाँ पर शार्प चेंज आता है। अब लास्ट एक डिफरेंस आप और देखना, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली जो दो वर्ड्स हैं ये आपको सीधा सीधा बोर्ड पर भी पूछे जा सकते हैं और जेईई मेन में भी पूछे जा सकते हैं। एक होता है एनिसोट्रॉपिक, एक होता है आइसोट्रॉपिक। तो यहां से हमें क्या लिखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड along different direction। जैसे मान लो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आपके पास, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप इसकी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते हो, तो जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करोगे किसी और दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग इसी फिजिकल प्रॉपर्टी का अगर आप मेजरमेंट करोगे, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है डिफरेंट आएंगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलता है, एनिसोट्रॉपिक। और जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं ये एनिसोट्रॉपिक ही होते हैं। तो आपको ये कैसा फील आएगी कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एनिसोट्रॉपिक ही होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाओ। उस डायग्राम को बनाने के बाद आपको अपने आप ही लग जाएगा कि जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा। बताइए क्या होता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में, रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। ये रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न बना रहा हूं, इररेगुलरिटी कहीं पर भी नहीं है, और बस एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है। जैसे मान लो कि आप इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करना चाहते हो और फिर इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करना चाहते हो, तो यहाँ पर रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, इसीलिए अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो डिफरेंट आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट आ गई तो उसको क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपिक, और इसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करो, हर पॉसिबल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होता, यहाँ तो इरेगुलरिटी होती है। इरेगुलरिटी होगी तो आप किसी भी तरीके से देख लो, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, सेम एनवायरमेंट ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर एनवायरमेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ क्या लिखेंगे, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, इन दोनों सॉलिड के टाइप में डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए, और अब हमें फोकस करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। सॉलिड स्टेट चैप्टर में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है और इस पर्टिकुलर बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, ये इस टॉपिक में हमें स्टडी करना है। तो बेसिस यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो सॉलिड है, सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इन कांस्टेंट पार्टिकल में क्या इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इस बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को टोटल फोर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। और ये फोर कैटेगरीज क्या है, इसके लिए सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम इस टेबल से देखेंगे। पहला अपने पास कौन है, मॉलिकुलर सॉलिड। अब मॉलिकुलर सॉलिड कौन से होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है वो क्या है, एग्जांपल क्या है, फिजिकल नेचर कैसा हो सकता है, जैसे कि सॉफ्ट है या वेरी सॉफ्ट है या हार्ड है, सिमिलरली इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, लो वेरी लो, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मॉलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं अभी आपको पता नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये सब आपको पता है। थर्ड अपने पास क्या हो गया, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के बारे में भी थोड़ा बहुत पता ही है। और लास्ट हो गया अपने पास कोवलेंट सॉलिड, ये इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉलिकुलर सॉलिड से। अब मॉलिकुलर सॉलिड अपने पास क्या होता है, तो जितने भी केमिकल बॉन्डिंग में आपने कोवलेंट मॉलिक्यूल पढ़े हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग हमने पढ़ी है, जैसे कि छोटे छोटे कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, सी एच फोर हो गया, सी ओ हो गया, आई टू हो गया, एच टू हो गया, आर्गन हो गया, इस तरीके से ये जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोल सकते हो, मॉलिकुलर सॉलिड। अब ऐसे एक मॉलिक्यूल से तो सॉलिड नहीं बनेगा ना, एक कंटेनर है, कंटेनर में ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इनका फिजिकल स्टेट कौन सा होगा, सॉलिड। लेकिन अगर मैं बात करूँ CO2 की, तो कल को आप बोलने लग जाओगे सर CO2 तो गैस होता है, ये तो मुझे भी पता है कि भाई CO2 गैस है, H2O लिक्विड है या I2 सॉलिड है, तो फिजिकल स्टेट तो यहाँ पे इसके सॉलिड है, इसकी लिक्विड और इसकी गैस है, लेकिन फिर भी आप इसको क्या बोल रहे हो, मॉलिकुलर सॉलिड। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टेम्परेचर रिड्यूस करना है, टेम्परेचर रिड्यूस करने के बाद ये भी सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन से टेम्परेचर या कौन से प्रेशर पे यह सॉलिड स्टेट में जाएगा, सॉलिड अगर ये बनता है तो कौन से टाइप का सॉलिड होगा, तो इनको क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स में क्या लगता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, वो अभी देख लेंगे, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये थर्ड कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम क्या था, कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से, फिर इसके बाद एग्जांपल आपको डिस्कस करने, एग्जांपल डिस्कस करने के बाद फिजिकल नेचर पे जाना, फिजिकल नेचर में क्या पता करना है कि ब्रिटल है, हार्ड है, मेलिएबल है, डक्टाइल है या फिर सॉफ्ट है, मेल्टिंग पॉइंट आपको देखना है, हाई वेरी हाई किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो मॉलिकुलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो ये सब हमने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में। जो सेकंड पार्ट था वीक फोर्सेस, कोई भी आपने छोटा सा कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाया, इस कोवलेंट मॉलिक्यूल का अगर नेट डाइपोल मोमेंट है तो इस कोवलेंट मॉलिक्यूल के खूब सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है पूरे सब्सटेंस में, तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या लग सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग सकता है, एच बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो एच बॉन्डिंग हो सकता है, डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है फिर क्या लगेगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो टोटल थ्री टाइप ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स यहाँ पे हो सकते हैं, या तो एच बॉन्डिंग हो सकता है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, अगर डाइपोल मोमेंट कोवलेंट मॉलिक्यूल का फाइनाइट है, और अगर जीरो है तो क्या लगेगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स लगेगा। एच बॉन्डिंग के सॉलिड आप कौन बता सकते हो, जैसे H2O बता सकते हो, H2O2, HF बता सकते हो, NH3 बता सकते हो। अब ये मत बोल देना कि सर ये लिक्विड है लिक्विड है लिक्विड है गैस है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे इनका जो फिजिकल स्टेट है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वो तो आपने सही दे रखा है, यही इसका मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट होता है। लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगा, पार्टिकल्स का मोशन सीज हो जाएगा, सीज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में, और जब सॉलिड बनेंगे तो कौन से टाइप के सॉलिड होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिजिकल नेचर अपने पास क्या होता है, सबसे पहले ये डाइपोल वाले देख लेते हैं, जैसे मान लो कि ICL, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट फाइनाइट है,
जैसे SF4 डाइपोल मोमेंट फाइनाइट है, SO2 गैसेस है मुझे पता है, लेकिन टेम्परेचर को डिक्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब सॉलिड बनेंगे तो मॉलिकुलर सॉलिड आपको बोलना पड़ेगा। LDF जैसे मान लो I2 हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, CO2 गैस हो गया, ये किस में आ जाएंगे? जहां पर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कितना आ रहा है? जीरो। अब इनके बारे में फिजिकल नेचर क्या हो सकता है? ये तो सॉफ्ट ही होते हैं ना, वेरी सॉफ्ट, इनफैक्ट गैसेस या लिक्विड ही होते हैं। ये मान लो कि सॉफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ रहा है, तो उसको भी क्या बोल सकते हैं? थोड़ा सा सॉफ्ट बोल सकते हैं। हार्ड तो होते नहीं हैं, इनमें से कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे सॉलिड नहीं है, I2 को छोड़ के कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे सॉलिड नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वेरी लो है, सब गैसेस या लिक्विड हैं, तो ऑलमोस्ट माइनस में ही इनके मेल्टिंग पॉइंट हैं। सिमिलरली एक बात और नोटिस करना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं जो मॉलिकुलर सॉलिड है। अब जैसे मान लो कि इसकी बात करो आप, तो वाटर की ही बात कर लेते हैं। कंटेनर है, कंटेनर में काफ़ी सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। टेम्परेचर कम कर दिया तो सॉलिड स्टेट में चला गया, कौन सा इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? एच बॉन्डिंग। अब इस सिस्टम में आपको कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस की प्रेजेंस है क्या? नहीं है। किसी भी सिस्टम में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस है, केवल वही सिस्टम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग हो सकता है। तो क्या पता चल गया कि ये जो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग। और क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर सॉलिड का आपको लिस्ट दिया जाए और ये बताना है कि इनमें से मॉलिकुलर सॉलिड कौन सा है, तो मॉलिकुलर सॉलिड कौन सा होगा? जहाँ पर स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या प्रेजेंट हो सकता है? एच बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल या लंडन डिस्पर्शन फोर्स। नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास क्या आ गया? आयनिक सॉलिड। ये तो बहुत सिंपल है, आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। आयंस में क्या होगा? कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे। कौन सा फोर्स लगेगा कैटायन और एनायन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं उसको? कूलम्बिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एग्जांपल अपने पास क्या हो गया? कोई भी आयनिक सॉलिड का एग्जांपल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ZnS, ZnSO4। फिजिकल नेचर इनका कैसा होता है? तो ये बेसिकली बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होते हैं। और इनफैक्ट आपको ये भी बात पता है कि ये सॉलिड ही होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आप इन्हें हीट कर दो तब भी ये मेल्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? वेरी हाई। अगला अपने पास क्या आ गया? मेटेलिक सॉलिड। अच्छा एक बात और बता देते हैं, आयनिक सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में आपको क्या पता है? आयनिक सॉलिड में सॉलिड स्टेट है, Na प्लस और Cl माइनस। Na Cl की अगर बात कर रहे हैं तो Na प्लस और Cl माइनस का जो पोजीशन है वो फिक्स है। यहाँ पे आयंस तो प्रेजेंट है लेकिन फ्री आयंस नहीं है, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स है, यहाँ पे केवल ये वाइब्रेट कर सकते हैं। तो फ्री आयंस का प्रेजेंस नहीं है तो इनको भी क्या बोलेंगे? इंसुलेटर ही होते हैं ये। तो बताइए इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग करने के लिए क्या किया जाता है? आयनिक सॉलिड को या तो आप मेल्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? मोल्टन स्टेट। या फिर आयनिक सॉलिड को वाटर में सॉल्युबल कर दो तो उससे क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस फ्री आयंस होंगे, जितने ज़्यादा फ्री आयंस होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में ये क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट सॉरी थर्ड अपने पास आ गया मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा? मेटल, कोई भी मेटल का टुकड़ा ले लो, जैसे सिल्वर का टुकड़ा ले लिया, सोडियम का, पोटेशियम का या फिर आयरन का, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मेटल एटम्स। अच्छा मेटल्स में कौन सी बॉन्डिंग होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग आप किस तरीके से दिखा सकते हो? आपने पढ़ाई है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? मेटल आयंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आप बताते हो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मेटल्स आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से आप ये बता रहे हो। और बताओ एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? कोई भी मेटल आप ले लो, एफ ई मेटल हो गया, सोडियम मेटल हो गया, मैग्नीशियम मेटल हो गया, कॉपर मेटल हो गया, सिल्वर मेटल हो गया। फिजिकल नेचर क्या होता है? तो फिजिकल नेचर मेटल्स में सॉफ्ट भी हो सकता है या हार्ड भी हो सकता है। मोस्टली मेटल्स कौन सी होती हैं? हार्ड ही होती है।
लेकिन ऐसा मत बोलना कि सारी मेटल्स हार्ड होती हैं। पोटेशियम देख लो, सोडियम देख लो, सीजियम देख लो, गैलियम देख लो, ये तो सारे के सारे सॉफ्ट है ना। इनफैक्ट गैलियम तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। गैलियम को अगर आप हथेली भी ले लो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ले आओ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। तो जैसे ही आप हाथ पे गैलियम इंसर्ट करोगे ना, तो वो अपना स्टेट, फिजिकल स्टेट सॉलिड से कहाँ चला जाएगा, लिक्विड में। सिमिलरली सोडियम, पोटेशियम, सीजियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं। और अगर बात करें तो मरकरी तो लिक्विड होता है, लिक्विड है मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड है, प्लैटिनम बहुत ज़्यादा हार्ड है, निकल बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से मेटल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो टू हाई कुछ भी हो सकता है। आयरन वगैरह का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, या अगर मरकरी की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो टू हाई कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, तो इनको क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। लास्ट अपने पास क्या आ गया, कोवेलेंट सॉलिड, या इसको और क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। अब ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और इसके एग्जांपल बहुत ज़्यादा नहीं है। कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड आप किसको बोलते हैं, जिसमें बेसिकली नेटवर्क प्रेजेंट हो। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स से कनेक्टेड होते हैं अप टू वेरी लार्ज डिस्टेंस, यू मान लो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कनेक्टेड ही रहते हैं। तो ऐसे 3D नेटवर्क को आप क्या बोलते हो, नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। क्या लिखेंगे, लार्ज 3D नेटवर्क ऑफ एटम्स। यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स। कोई एग्जांपल बताओ, जैसे डायमंड का एग्जांपल आपको पता है, डायमंड में कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो कार्बन कार्बन से 4 डायरेक्शन में कनेक्टेड होता है, हर कहीं पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अप टू वेरी लार्ज डिस्टेंस ऐसा चलता ही रहता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो गए, एटम्स हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोई यहाँ पे वीक फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है। वीक फोर्सेस मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या आता है, एच बॉन्डिंग आता है, डाइपोल डाइपोल आता है, एलडीएफ आता है, ये वाले फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ही खत्म नहीं हो रहा। इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के साथ अप टू वेरी लार्ज डिस्टेंस कोवेलेंट बॉन्डिंग से ही कनेक्टेड है। कौन से बॉन्ड है ये, सिग्मा बॉन्ड। और क्या बता सकते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अपने पास क्या आ गया, डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया, ये कार्बन के ही क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का बोलते हैं इसको, कार्बोरेंडम। आगे क्या आ जाएगा, 3 सिलिकॉन। डायमंड के स्ट्रक्चर में अल्टरनेट कार्बन आइटम्स को रिप्लेस करके सिलिकॉन लिया और सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर आ गया। LiN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम किससे कनेक्टेड होगा, नाइट्रोजन से, फिर उसके आगे 3 एल्यूमिनियम, फिर आगे 3 नाइट्रोजन, इस तरीके से चलता जाएगा। और क्या हो सकता है, बोरोन नाइट्राइड, BNX हो सकता है, और कोई आ रहा है, SiO2, सिलिका हो सकता है। इन सब में लार्ज 3D नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ये प्रेजेंट है। नेचर कैसा होगा, वेरी हार्ड होते हैं, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या आता है, ग्रेफाइट। मान लेते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा नेचर में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये कोवेलेंट सॉलिड्स का ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड हो गया, या फिर अपने पास SiC हो गया, SiO2 हो गया, LiN हो गया, कार्बोरेंडम हो गया, BNX हो गया, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट हाइएस्ट होता है। और इसमें भी एक्सेप्शन क्या है अपने पास, वही ग्रेफाइट वाला, क्योंकि ग्रेफाइट सॉफ्ट है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। सिमिलरली एक बात और करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखें, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। और अगेन इसमें भी एक्सेप्शन क्या आएगा, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है, सब केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है। सिमिलरली पी ब्लॉक में जब कार्बन फैमिली आपने पढ़ा है, तो कार्बन फैमिली में वापस से आपने ये पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है।
तो यहाँ तक जो थ्योरेटिकल पोर्शन था सॉलिड स्टेट के जो फर्स्ट 3 to 4 पेजेस हैं ये हमने कवर कर लिए। इसमें आपने क्या देखा कि सबसे पहले तो सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्लासिफाई किया, अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आ गए। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से प्रेजेंट है इसके बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया, तो कौन से सॉलिड आ गए, मॉलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, और इसके बाद आ गया मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। हर किसी की प्रॉपर्टीज आपने देख ली, कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। इन एग्जांपल्स में आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये कोवलेंट अमोर्फस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको ये बताना है कि मॉलिकुलर है, आयनिक है, कोवलेंट है या मेटेलिक है। मेटेलिक सॉलिड या आयनिक सॉलिड बताना तो बहुत ईजी है, वो तो सारे ही ईजी हैं, कोवलेंट सॉलिड के बहुत ही कम एग्जाम्पल होते हैं, और मॉलिकुलर सॉलिड तो आपको बहुत अच्छे से पता है, केमिकल बॉन्डिंग में पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन बताया है, तो कहीं पर भी अगर स्मॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड। अभी आप एग्जाम्पल देखना, एक लिस्ट है मेरे पास, ये बेसिकली सेम एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में है, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और भी बता रखा है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी आपको पता ही चल गया ना, अब तो आप किसी भी सेट ऑफ कंपाउंड में से क्रिस्टलाइन सॉलिड निकाल सकते हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड आ जाएगा, जैसे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल आपने ले लिया, SO2 हो गया, CH4 हो गया, H2O हो गया, I2 हो गया, H2 हो गया, D2 हो गया, T2 हो गया, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये सब चाहे गैसेस हो चाहे लिक्विड हो, टेम्परेचर डाउन करके सॉलिड स्टेट में ले जाया जा सकता है। जब सॉलिड स्टेट में जाएगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बनेगा, आयनिक सॉलिड आपको पता है, मेटेलिक सॉलिड आपको पता है, कोवलेंट सॉलिड आपको पता है, कोवलेंट सॉलिड को और क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड, और अमोर्फस में आपको क्या बता रखा है कि रबर आ जाए, ग्लासेस आ जाए, रबर आ जाए, ग्लास आ जाए, या प्लास्टिक आ जाए, फाइबर्स आ जाए, ये सब के सब अमोर्फस के एग्जांपल है। प्लास्टिक में मतलब कोई भी पॉलीमर आ सकता है। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ देखना, पॉली यूरेथीन नाम के आगे लिखा हुआ है, पॉली, पॉली मतलब ये क्या होगा, पॉलीमर होगा, अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल, साथ में ही आंसर बता दूंगा मैं। नेप्थलीन, अब नेप्थलीन कोई पॉलीमर तो होता नहीं, और नेप्थलीन के बारे में आपको पता भी है, स्ट्रक्चर आप जानते ही हो, दो बेंजीन रिंग को फ्यूज करो, इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या है, बेसिकली एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो किस में चला जाएगा, क्रिस्टलाइन में। आगे क्या आ गया, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन होता है, बेसिकली पॉलीमर होता है, क्रॉकरी में यूज किया जाता है, पॉलीमर है मतलब क्या हो गया, अमोर्फस हो गया। पोटेशियम नाइट्राइट, हाँ, KNO2, K+NO2- क्या प्रेजेंट है, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइन में चले जाओ। सेलोफोन, सेलोफेन, जो बुक्स के ऊपर प्लास्टिक आप लगाते हो ना, वो सेलोफेन प्लास्टिक ही तो होता है, प्लास्टिक मतलब क्या हो गया, अमोर्फस हो गया। सिमिलरली अपने पास क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC के पाइप्स आते हैं खेती में, जो पाइप यूज होते हैं PVC पाइप्स, प्लास्टिक है, ये भी क्या हो गया, अमोर्फस हो गया। फाइबर ग्लास, कॉपर ग्लास, अमोर्फस, कॉपर मेटल है, मेटेलिक सॉलिड, और मेटेलिक सॉलिड किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो ये वापस से क्या आ गया, क्रिस्टलाइन हो गया। इस तरीके से कोई भी सॉलिड का आपको लिस्ट दिया हो, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास क्या है कि अगेन कुछ सॉलिड्स का लिस्ट दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि कौन सा मॉलिकुलर सॉलिड है, कौन सा कोवलेंट सॉलिड है, कौन सा आयनिक सॉलिड है, कौन सा मेटेलिक सॉलिड है। K2SO4 जैसे ही लिखता जाऊंगा आपको पता चल रहा है, Fe सॉलिड, SN टिन सॉलिड, C6H6 बेंजीन, NH2CO, NH2 यूरिया, NH3 अमोनिया, H2O अमोनिया गैस होता है, वाटर लिक्विड होता है, लेकिन इस बात की चिंता मत करना, ग्रेफाइट, ZnS जिंक सल्फाइड हो गया, रुबिडियम हो गया, आर्गन हो गया, SiC कार्बोरेंडम हो गया, रुबिडियम,
एआर आर्गन और एसआईसी रोबेडियम, आर्गन गैस होता है सबको पता है, एसआईसी कार्बोरेंडम सॉलिड होता है, K2SO4 आयनिक सॉलिड, के प्लस SO42 माइनस आयंस प्रेजेंट है, आयरन है, आयरन का टुकड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा मेटलिक सॉलिड, ये भी मेटल है SN10 मेटलिक सॉलिड, C6H6 बेंजीन स्मॉल मॉलिक्यूल है, क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। और बताइए बेंजीन अगर किसी कंटेनर में आपने रखा है तो बेंजीन के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो बेंजीन बेसिकली नॉन पोलर होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो जीरो डाइपोल मोमेंट के मॉलिक्यूल्स में क्या लगेगा लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये भी पता कर लिया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, स्मॉल मॉलिक्यूल कोवलेंट मॉलिक्यूल यूरिया मॉलिक्यूलर सॉलिड, सिमिलरली NH3 मॉलिक्यूलर सॉलिड, वाटर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ZnS Zn2+ S2- सल्फाइड आयन कैटायन एनायन प्रेजेंट है आयनिक सॉलिड, ग्रेफाइट लार्ज 3D नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, क्या बोलते हैं इसको कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं, SiC नेटवर्क सॉलिड एकदम डायमंड के जैसे स्ट्रक्चर होती है, सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है, कार्बन भी टेट्रावेलेंट है, डायमंड के स्ट्रक्चर में अल्टरनेट कार्बन एटम्स को रिमूव करके सिलिकॉन लगा दो SiC बन जाएगा, आर्गन गैस है मतलब छोटा सा मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर सॉलिड, रुबिडियम सॉलिड, रुबिडियम क्या होता है मेटल, तो ये क्या हो जाएगा मेटलिक सॉलिड। इस तरीके से आपने ये सारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स को 4 टाइप्स से आपने कैटेगराइज कर लिया, यहाँ पे अपना थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। अब जो सॉलिड स्टेट का मेन पोर्शन है वो हमें स्टार्ट करना है। मेन पोर्शन बेसिकली क्या है कि कोई भी कंपाउंड है और इसका जो सॉलिड स्टेट है, अब इस सॉलिड स्टेट पे आपको फोकस करना है किस तरीके से कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अरेंज्ड है, और जिस तरीके से ये अरेंज्ड है तो उस बेसिकली 3D अरेंजमेंट को आप क्या बोलना पसंद करते हो, और इस 3D अरेंजमेंट को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो कि सोडियम मेटल को आपने पकड़ा, तो सोडियम मेटल में सोडियम के काफ़ी सारे आइटम्स हैं, बहुत सारा, बहुत लंबे डिस्टेंस तक अपने पास एक अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो तो इस पूरे अरेंजमेंट को थोड़ी देखेंगे, इस अरेंजमेंट के स्मॉलेस्ट पार्ट को देखेंगे, क्योंकि इस स्मॉलेस्ट पार्ट को अगर आप डुप्लीकेट करते जाओगे हर किसी डायरेक्शन में तो वापस से पूरा अरेंजमेंट बन जाएगा। तो इस पूरे अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो स्पेस लैटिस, और स्पेस लैटिस के स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हो यूनिट सेल। तो यूनिट सेल पे आपको फोकस करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सा यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, यूनिट सेल फाइंड आउट कर लिया, यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ बहुत इमेजिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है और कुछ एनिमेशन के वीडियोज भी आपको दिखाए जाएंगे। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस का क्या डेफिनेशन होगा, सिमिलरली यूनिट सेल आपको पढ़ना है, और क्या पढ़ना है लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं। तो स्पेस लैटिस की अगर बात करें, स्पेस लैटिस का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट या 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। अब ये अरेंजमेंट किस टाइप का है वो सब तो आपको स्पेस लैटिस देखने के बाद भी पता चलेगा। सिमिलरली डिफरेंट टाइप के सॉलिड में लोगों ने डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट देखा होगा, इन सारे अरेंजमेंट को कुछ ना कुछ नाम दिया होगा, वो नाम आपको पढ़ना भी है, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, इसको हम क्या बोलते हैं स्पेस लैटिस। जैसे मान लो कि इस तरीके से देखो कोई स्पेस लैटिस, जैसे कि मान लो लीनियर अरेंजमेंट पे हम ध्यान देते हैं, अब लीनियर अरेंजमेंट तो होता नहीं है ना, या 2D अरेंजमेंट भी नहीं होता है, सारी चीज़ें 3D होती है, तो 3D अरेंजमेंट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो ये लीनियर अरेंजमेंट है, अब इसमें ये एटम्स अगर इस तरीके से चिपके हुए हैं तो ये हो गया। सिमिलरली जैसे मान लो कि 2D अरेंजमेंट है, तो 2D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, ये 2D अरेंजमेंट इस तरीके से भी हो सकता है, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, यहां पे जो पार्टिकल्स है उसको और क्या बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स भी बोलते हैं, और इन लैटिस पॉइंट्स को हम स्फीयर ही कंसिडर करेंगे, बाय डिफॉल्ट यही स्ट्रक्चर हम लेते हैं, ऐसा नहीं कि क्यूब्स कंसिडर कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली अपने पास क्या बन रहा है, 2D अरेंजमेंट बन रहा है। ये 2D अरेंजमेंट कुछ ऐसा भी तो हो सकता है और किसी भी तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ध्यान दे रहे हो और कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस तरीके का अरेंजमेंट होगा या इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, ये हमें नहीं पता। ये सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलता है। ये यहाँ पे जो बीच में खाली स्पेस है यहाँ पे भी तो फिल किया जा सकता है ना, इसको थोड़ा और बेटर पैकिंग मिलेगा इससे। ये इस तरीके से ये सब आगे जाके हम स्टडी भी करेंगे। अब ये जो आपने अरेंजमेंट देखा है ना, ये देखो आप बहुत अच्छा देखा है, स्फीयर के जस्ट नीचे एक स्फीयर है, इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। और यहां पे अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का ये बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलना भी गलत है, वो 3D के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे आप ऐसे लिख दो कि इन 2D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब किस तरीके की पैकिंग एफिशिएंसी आपको ज्यादा लग रही है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, एरिया की बात कब करेंगे जब 2D की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कब करेंगे जब 3D की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल अपन 2D भी अगर बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना एरिया इनसे कवर्ड है, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, और जितना ज़्यादा कवर्ड होगा उतना ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगा, और ये जितना ज़्यादा खाली होगा, ये खाली तो है, एम्प्टी स्पेस है ये, जितना ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होगा पैकिंग एफिशिएंसी उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। तो साफ साफ देख रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी कहाँ पे आ रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, क्योंकि ये जो खाली स्पेस थे इन्हीं खाली स्पेस में आपने सेकेंड लेयर को प्लेस किया है। तो इसको क्या बोलते हैं, 2D अरेंजमेंट। ये क्या हो गया, 3D अरेंजमेंट। अब ये जो लेयर आपने बनाया है, अब इस लेयर को आप अज्यूम कर लो कि इस लेयर में क्या प्रेजेंट है, स्फीयर्स। स्फीयर्स कैसे होते हैं, 3D। और इस लेयर के ऊपर एक लेयर प्लेस करो, फिर एक लेयर प्लेस करो, फिर एक लेयर प्लेस करो, तो इस तरीके से 3D अरेंजमेंट आ जाएगा। अब ये 3D अरेंजमेंट कैसा होगा, ये सब हमें डिस्कस करना है। लेकिन इस सारे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस पे आपको किसको ध्यान देना है, स्पेस लैटिस में एक स्मॉलेस्ट पार्ट आपको चूज करना है, जिस पार्ट को लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में अगर आप डुप्लीकेट करते जाओ तो वापस से ये स्पेस लैटिस बन जाए। तो उस छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो स्पेस लैटिस के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सीधा यूनिट सेल पर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यूनिट सेल अपने पास क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस विच रिप्रेजेंट्स एंटायर पिक्चर ऑफ एंटायर स्पेस लैटिस। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट आप किस तरीके से चूज करोगे, ये भी देखो। जैसे मान लो कि यहां पे आके एक स्मॉलेस्ट पार्ट आपको चूज करना है जो चारों डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी चूज कर सकते हो। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, ये कहीं आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन इनको सीखना बहुत जरूरी है। यूनिट सेल आप किस तरीके से चूज करोगे, तो उसमें एक पर्टिकुलर तरीका है। जैसे मान लो कि आपने ये चूज किया, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो यूनिट सेल है एक तरीके से, इसको आप रिपीट करोगे, ठीक है कोई बात नहीं है, ये बन जाएगा स्पेस लैटिस। लेकिन यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या होगी, खाली जगह होगी, और इस खाली जगह की वजह से जब आगे आप इसकी कैलकुलेशन करोगे उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये जो यूनिट सेल को चूज करने का तरीका है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप हमेशा कॉर्नर्स को कहाँ पे रखो, ये जो स्फीयर है, फिलहाल स्फीयर नहीं है, फिलहाल तो सर्किल है क्योंकि 2D की बात कर रहा हूँ, वैसे ही हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट आपको बता रहे हैं। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं यूनिट सेल के, ये कॉर्नर्स हमेशा ये कांस्टेंट पार्टिकल्स के सेंटर में होने चाहिए। तो यूनिट सेल आप कुछ ऐसा चूज करो इस तरीके से, और आप खुद भी देख लो किस यूनिट सेल को लेफ्ट टॉप बॉटम राइट कहीं पे भी आप इसको डुप्लीकेट करते जाओ, डुप्लीकेट करने से क्या होगा, वापस स्पेस लैटिस बन जाएगा। तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट को आपने बहुत सही तरीके से चूज किया है, और इसी स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का अपने पास डेफिनेशन क्या हो गया, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस को और क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट सेल, सॉरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस विच रिप्रेजेंट्स एंटायर पिक्चर ऑफ स्पेस लैटिस। तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। अब टोटल अपने पास नेचर में हर किसी सॉलिड सब्सटेंस में
टोटल कितना यूनिट सेल आपको मिल सकता है, कितना स्पेस लैटिस आपको मिल सकता है, ये सारी जानकारी अपने पास दी हुई है, ये सारी जानकारी को हमें याद भी करना है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं टोटल टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम्स का मतलब हो गया स्पेस लैटिस। और ये जो एक बात और बता देता हूँ, ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ना, इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स। और लैटिस पॉइंट्स को अगर आप इस तरीके से लाइन से ज्वाइन करने लग जाओगे, तो लाइन से ज्वाइन करने के बाद ये क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक पैटर्न बन जाएगा। और इसी ज्योमेट्रिक पैटर्न को आप क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हो। कॉन्स्टेंट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। स्पेस लैटिस क्या हो गया, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल। यूनिट सेल क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया स्पेस लैटिस का। ये तीनों डेफिनेशन आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम अपने पास कितने टाइप के होते हैं। तो टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। अब देखना ये सभी 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स क्या है, और ये सारे 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम कौन से टाइप के सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, ये हम नहीं बता कर सकते। ये तो केवल आपको क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। तो ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स हम देख लेते हैं। इन 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स को क्या बोलते हैं, इस तरीके से याद रखना, CTOMHRT। सी का मतलब क्या हो गया, क्यूबिक। टी का मतलब हो गया टेट्रागोनल। ओ का मतलब हो गया ऑर्थो रोम्बिक। एम का मतलब हो गया CTOHRMT। इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि इसके बाद हम और भी कुछ याद करने वाले हैं। एच का मतलब क्या हो गया, हेक्सागोनल। आर का मतलब हो गया रोम्बोहेड्रल। एम मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, और टी मतलब हो गया ट्राइक्लिनिक। CTOHRMT 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम अपने पास प्रेजेंट होते हैं। और इसमें से कहीं पे भी आपको क्या मिलेगा, एक तो ये हेक्सागोनल मिलेगा और ये क्यूबिक मिलेगा। इन दोनों क्रिस्टल सिस्टम पे ही बेस्ड अपने पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। NCERT में तो केवल क्यूबिक दिया हुआ है, लेकिन JEE एडवांस के सिलेबस में क्यूबिक और हेक्सागोनल हम ये दोनों पढ़ेंगे। और इन 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में जितने भी टाइप की यूनिट सेल मिल सकती है, अब उन यूनिट सेल को भी हम देख लेते हैं। तो यूनिट सेल अगर आप इसमें से कार्व करोगे, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम आपको दे रखा है, और इस क्रिस्टल सिस्टम में से एक स्मॉलेस्ट पार्ट आप कट करना चाहते हो, तो कट करने के बाद क्या मिलेगा, यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल अपने पास कितने टाइप का होता है, इसको देखना सबसे पहले। तो पहले तो ये दिखा देता हूं कि यूनिट सेल को आप कौन से पैरामीटर्स पे डिफाइन करते हो। तो ये हो गया अपने पास ए बी, और इसको बोल दिया मैंने सी। कौन सा यूनिट सेल ले लिया आपने, एक तरीके से क्यूबिक यूनिट सेल ले लिया। अब आपको दिखने में ही क्यूबिक दिख रहा है, बाकी ये क्यूबिक भी हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, सिमिलरली रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, कोई भी यूनिट सेल हो सकता है, डिपेंड करता है पैरामीटर्स पे। और ये पैरामीटर्स अपने पास क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D स्ट्रक्चर में बेसिकली तीन तो क्या होंगी, साइड्स होंगी, थ्री साइड्स। कौन सा हो गया, ABC, और थ्री एंगल्स, अल्फा बीटा और गामा। ये जो अपने पास ए वाला साइड है और बी वाला साइड है, इसको आप क्या मान लो, बेस मान लो, और बेस को अपने हाइट से उठा रखा है, तो हाइट वाली साइड को आप क्या मान लो, सी मान लो। तो हाइट के साथ जो एंगल है अपने पास, इस एंगल को आपने अज्यूम कर लिया अल्फा, ये हो गया बीटा, और बेस में एंगल मान लेते हैं गामा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा, ये एंगल बेसिकली क्या हो गए, ए बी सी, ये साइड क्या होगी, इसी से आप डिसाइड कर पाओगे कि ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल की शक्ल कौन से क्रिस्टल सिस्टम से मैच कर रहा है। और क्रिस्टल सिस्टम अपने पास टोटल 7 टाइप के हैं। इनमें से अल्फा बीटा गामा ए बी सी का जो रिलेशन है, ये आप चाहें तो याद कर लेना, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है याद करना। लेकिन फिर भी क्यूबिक और हेक्सागोनल का तो हमें याद रखना है, और याद क्या रखना है, वो तो सिस्टम आप बेसिकली लॉजिक से ही बता पाओगे। जैसे मान लो कि क्यूब की अगर बात करें, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की आप बात करें, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में से जो यूनिट सेल निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल ही बोलेंगे। और क्यूबिक यूनिट सेल में सबको पता है कि ए बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यही होता है क्यूब।
सबको बनाना आता है क्यूब तो। अगला अगर हम हेक्सागोनल की बात करें, ये दोनों तो याद रखना ही है। अब हेक्सागोनल में पहले बना देता हूं, हेक्सागोनल कुछ ऐसा होता है ना 3D में, ठीक है, यही हेक्सागोनल है। अब आप खुद देख लीजिए कि इसमें ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो बेस में अपने पास ये जो साइड्स होती हैं तो बराबर ही होती है ना, ए इक्वल टू बी, और ये हाइट है, हाइट के साथ ये इक्वल नहीं होता। और क्या है अपने पास, अल्फा बीटा गामा का एंगल है, ये जो गामा का एंगल है ये बेस में, बेस में कितना एंगल आता है बेटा 120 डिग्री, और इस बेस का ये दोनों साइड्स वर्टिकल साइड्स के साथ क्या एंगल है 90 डिग्री का। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। तो ये स्पेसिफिक पैरामीटर आपने पता कर लिए क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए। टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, इन क्रिस्टल सिस्टम से आप यूनिट सेल निकालते हो, तो यूनिट सेल अपने पास टोटल 7 टाइप ही आ सकती है ये। और इन यूनिट सेल में अल्फा बीटा गामा और ए बी सी का जो अपने पास पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर से आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा यूनिट सेल आपको मिला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस क्रिस्टल सिस्टम में जब आप ये यूनिट सेल कार्व करते हो तो यहाँ पे जो यूनिट सेल निकलती है ना, इस यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल है, मतलब कि लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको भी याद रखना ही पड़ेगा। ये लैटिस पॉइंट बेसिकली कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे मान लो NaCl की स्ट्रक्चर है, तो Na+Cl- एक दूसरे के ऊपर पूरा 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस 3D स्ट्रक्चर में से एक स्मॉलेस्ट पार्ट को आपने कट किया, इस स्मॉलेस्ट पार्ट को कट करने के बाद आपको क्या देखना है कि सबसे पहली बात तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट कट हुआ है ये कौन से टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है या हेक्सागोनल है, दोनों पे डील करना है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि NaCl का जो क्रिस्टल सिस्टम आपको मिलेगा, बहुत बाद में पढ़ोगे चैप्टर में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही आएगा। अब इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कहाँ कहाँ पे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है, तो जिस तरीके से यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स मतलब Na+ और Cl- कहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कंप्लीट यूनिट सेल का पिक्चर क्या है। तो आप देखो कि यूनिट सेल में जहां पे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उस टाइप से यूनिट सेल को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, टू टाइप ऑफ यूनिट सेल। एक होता है प्रिमिटिव, अब प्रिमिटिव का क्या मतलब है, प्रिमिटिव को और क्या बोलते हैं, सिंपल, प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स ओनली, जहां यूनिट सेल है उसके कॉर्नर्स पे ही लैटिस पॉइंट है, मतलब कि बीच का जो स्पेस है वो खाली है, उसमें कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, एटम मॉलिक्यूल या आयन कॉन्स्टेंट पार्टिकल केवल कहां प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, या और क्या बोलते हैं, सिंपल। अगला आ जाते हैं हम बी पे, इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया कि इस यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल या लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही सही, साथ ही साथ सेंटर वाली लोकेशन पे भी प्रेजेंट होंगे। अब ये सेंटर वाली लोकेशन कौन कौन सी हो सकती है, उसके हिसाब से सेंटर्ड यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता अपने पास बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एक हो जाता है फेस सेंटर्ड, एक हो जाता है एंड सेंटर्ड। तो बताइए यहां पे लैटिस पॉइंट कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर क्या होता है, कितना एटम वहां पे प्रेजेंट होता है, सब आगे आने वाला है। अगला क्या होता है, फेस सेंटर, फेस सेंटर में कहां प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स, ऑल फेस सेंटर्स। फेस सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो कोई क्यूब है, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, टॉप डाउन लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक। तो इस फेस का जो सेंटर होता है, इस सेंटर पर भी यहाँ पर लैटिस पॉइंट होगा, मतलब कि एटम होगा, सभी फेस सेंटर पे होंगे, तो 6 तो फेस सेंटर पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे तो 8 कॉर्नर्स पे होंगे, और एंड सेंटर का मतलब क्या है, कॉर्नर्स प्लस ऑपोजिट फेस सेंटर। ये जो एंड सेंटर्ड वाला है इससे तो बहुत ही कम लेना देना है, कॉर्नर्स प्लस ऑपोजिट फेस सेंटर ओनली वन। तो बताइए ऑपोजिट फेस सेंटर पे कनेक्टेड होना चाहिए, इसका मतलब एक तो ये फेस हो गया इसका जस्ट ऑपोजिट, इन दोनों फेस सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे और बाकी के 4 फेस सेंटर खाली होंगे। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे और सेंटर पे। बॉडी सेंटर में कहाँ होते हैं,
कॉर्नर पे होते हैं, बॉडी सेंटर पे होते हैं, फेस सेंटर में कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, फेस सेंटर पे होते हैं, और एंड सेंटर में कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, और ऑपोजिट एंड के जो दो फेस सेंटर होते हैं यहीं पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल अपने पास अगर देखा जाए तो यूनिट सेल में भी टोटल 4 टाइप का सिस्टम आ सकता है, और टोटल अपने पास क्रिस्टल सिस्टम कितने, 7। तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल, तो क्या टोटल 28 सिस्टम पॉसिबल है क्या? और इन सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस। क्या टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में जब आप यूनिट सेल कार्व करोगे तो ये यूनिट सेल में लैटिस कहां पे, लैटिस पॉइंट्स कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं? या तो प्रिमिटिव मतलब केवल कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हो सकते हैं, या बॉडी सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर हो सकता है, या एंड सेंटर हो सकता है। टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, 7 क्रिस्टल सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई 4 पॉसिबिलिटी, टोटल 28 टाइप का यूनिट सेल पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। और क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है। नेचर में 28 टाइप का नहीं मिलता, केवल कितने टाइप का मिलता है, 14 टाइप का। Only 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल। इसका मतलब सभी टाइप का जो ये सिस्टम है, सभी टाइप की यूनिट सेल में नहीं मिलता है। कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का ही अरेंजमेंट आपको मिलता होगा। तो ये भी हमें याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए वापस से वही 7 सिस्टम आप बनाओ, और हर किसी 7 सिस्टम में आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पर प्रिमिटिव टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, कहाँ पर बॉडी सेंटर्ड वाला भी मिल सकता है, कहाँ पर फेस सेंटर्ड वाला मिल सकता है, कहाँ पर एंड सेंटर्ड वाला मिल सकता है। तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके से याद रखना है, मैं बता रहा हूँ वापस। फाइनल CTO HRMT, HMT की घड़ी आती थी ना पहले, उसको क्या कर दो, HRMT, CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ऐसा भी होता है कुछ टर्म। ये क्या हो गया, क्यूबिक ट्रेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल। तो हमें हेक्सागोनल पे फोकस रखना है, क्यूबिक पे फोकस रखना है। आर मतलब क्या हो गया, रोम्बो हेड्रल। एम मतलब क्या हो गया, मोनोक्लिनिक। और टी मतलब क्या हो गया, ट्राइक्लिनिक। ये जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम है ये सबसे गंदा होता है, क्योंकि यहां पे यूनिट सेल में ए बी सी बराबर नहीं होते, अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं होते, और 90 के बराबर भी नहीं होते। ये सबसे गंदा यूनिट सेल है अपने पास। पढ़ना वढ़ना नहीं है, पढ़ना केवल क्यूबिक है और हेक्सागोनल पढ़ना है। अब बताइए क्यूबिक में क्या प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव टाइप जो है ये सभी टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो टोटल 7 ब्रेवियस लैटिस तो ये हो गए। फर्स्ट 3 में बॉडी सेंटर्ड भी होता है, फर्स्ट और थर्ड में फेस सेंटर्ड भी होता है, इस थर्ड में एंड सेंटर्ड भी होता है, और मोनोक्लिनिक लास्ट या सेकेंड लास्ट में एंड सेंटर्ड भी होता है। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लस 7, टोटल 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस यहाँ पे प्रेजेंट है। हर टाइप का अरेंजमेंट हर टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 टोटल 28 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस प्रेजेंट होते, लेकिन टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस ही प्रेजेंट है। इस ऑर्डर को आप बहुत अच्छे से याद रखना, CTO HRMD, और इसमें फर्स्ट 7 में या प्रिमिटिव तो हर किसी में प्रेजेंट है, फर्स्ट 3 में बॉडी सेंटर्ड भी है, फर्स्ट और थर्ड में फेस सेंटर्ड भी है, थर्ड और सिक्स में एंड सेंटर्ड भी है। टोटल मिला के 14 ब्रेवियस लैटिस प्रेजेंट है। अब हमें पढ़ना कितना है, कितनी यूनिट सेल पे हमें ध्यान देना है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव यूनिट सेल, टोटल 4 यूनिट सेल पे आपको ध्यान देना है। तो इन 4 यूनिट सेल के मैं नाम यहां पे लिख देता हूं। प्रिमिटिव को और क्या बोलते हैं, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे SC, सिंपल क्यूबिक। सिमिलरली अपने पास और क्या आ गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है और बॉडी सेंटर्ड टाइप का अरेंजमेंट है, तो पूरी यूनिट सेल को आप क्या बोलोगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड अपने पास क्या हो गया, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, हेक्सागोनल, तो इसको क्या बोलते हैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पैकिंग के नाम पे इसको देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल।
अभी तो ये केवल आपको यूनिट सेल पता चल रही है, इन यूनिट सेल के स्ट्रक्चर भी मैं बना दूंगा, लेकिन बहुत ही अगर आपको बेसिक से देखना है तो बेसिक से किस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, मतलब कि कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करेंगे। सच में हमें अरेंजमेंट करना है, मतलब मैं नहीं करूँगा, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें जो क्रिस्टल पार्टिकल्स का या क्रिस्टल सिस्टम का जो अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट में से एक छोटा सा पार्ट हमें कट करना है, और वो जो छोटा सा पार्ट हम कट करेंगे इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल आपको एग्जैक्टली सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल आपको नजर आना चाहिए, लेकिन वो बहुत बात की बात है। पैकिंग हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि कौन सी पैकिंग में से कौन सा यूनिट सेल आपको मिल सकता है, लेकिन पहले आप यूनिट सेल देख लो, क्योंकि यूनिट सेल पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया कि पहली बात तो क्यूबिक सिस्टम आपको बनाना है और सिंपल अरेंजमेंट रखना है। सिंपल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं कि जो कांस्टेंट पार्टिकल, मतलब कि लैटिस पॉइंट्स है, वे केवल कहां पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो पहला आ गया अपने पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इनफैक्ट ऐसा करता हूं कि मैं थोड़ा बहुत यहां पे आपको क्रिस्टल सिस्टम बना के दिखा देता हूं, पूरा जो अपने पास लैटिस है क्रिस्टल लैटिस वो बना के दिखा देता हूं, उससे आपको अपने आप ही फील आएगी कि इस टाइप के क्रिस्टल लैटिस में जब स्मॉलेस्ट पार्ट कट करेंगे तो कट करने के बाद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही आपको मिलेगा। आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखना कैसे बनता है, अभी मैं अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूं, ये अरेंजमेंट हम वापस से डिस्कस भी करेंगे और एनिमेशन के वीडियो में भी आपको दिखाई देगा। ये हो गया अपने पास स्फीयर्स का एक लेयर हो गया। अब अगला लेयर आपको प्लेस करना है, तो अगला लेयर एग्जैक्टली इसी पे प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अगला लेयर जब इसी पे प्लेस होगा इस तरीके से, इस लेयर को आप कंसिडर कर लो ए, ए लेयर के ऊपर क्या प्लेस हो रहा है ए, ये जो ए लेयर बनी है, ए लेयर के बीच में थोड़े बहुत ये खड्डे हैं ना, ये इनको क्या बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स में आपने सेकंड लेयर प्लेस नहीं किया है, आपने सेकंड लेयर कहाँ प्लेस किया है, फर्स्ट लेयर के एटम्स के ऊपर प्लेस किया है। तो ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को फिर क्या बोलना पड़ता है ए ए ए ए ए। और अगर मान लो कि सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के वॉइड्स में प्लेस करते हैं तो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर मैच नहीं करता, तो सेकंड लेयर को क्या बोलना पड़ता बी, फिर उसको बोलते हैं हम ए बी इस टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है तो ए ए ए टाइप का अरेंजमेंट ही होना चाहिए। अब आप इसको देखो, यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह रिपीट हो रहा है, तो ये जो अपने पास यूनिट सेल बन के आएगा ना, ये यूनिट सेल अपने पास क्या होगा सिंपल क्यूबिक। और अभी ये यूनिट सेल आपको किस में दिख रहा है, 2D में। मैं बोल रहा हूँ कि ये 3D में ही है, ये आप बेस अस्यूम कर लो, इस बेस में अपने पास क्या प्रेजेंट है, ये एटम्स प्रेजेंट है, कॉर्नर पे ही है देख लो, और ये सारे जो कॉर्नर के एटम्स है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सिमिलरली इसको थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करने के बाद चार पॉइंट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, चार पॉइंट्स यहाँ पे और चार पॉइंट्स बोर्ड पे, सबको मिला दो तो क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। इन चारों पॉइंट्स, मतलब कि कॉर्नर्स में भी एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे जो कॉर्नर्स के एटम है ये बेस के कॉर्नर के एटम्स के साथ टच कर रहे हैं, तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। फिलहाल मैं आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा हूँ, इस अरेंजमेंट को या इस क्रिस्टल सिस्टम को हम बाद में भी पढ़ लेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, क्यूबिक आपने सिस्टम बना दिया और सिंपल मतलब कि प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव टाइप में जो कांस्टेंट पार्टिकल या लैटिस पॉइंट है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। तो लैटिस पॉइंट्स केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि 8 लैटिस पॉइंट यहां पे है। अब इस लैटिस पॉइंट्स में, इस यूनिट सेल के अंदर एक्चुअली में कितना एटम है, 8 एटम है, 4 एटम है, 3 एटम है, 1 एटम है। कईयों को तो देख के ऐसा लग रहा होगा कि इस यूनिट सेल में टोटल 8 एटम हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें टोटल 8 एटम्स हैं। अब वो सब आपको देखना पड़ेगा कि जब भी किसी कॉर्नर पे कोई लैटिस पॉइंट, मतलब कि कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो ये कांस्टेंट पार्टिकल का कितना हिस्सा इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में आएगा, क्योंकि ये एक यूनिट सेल तो है नहीं, इस यूनिट सेल के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह यूनिट सेल लगा हुआ है, तभी जाके क्या बन रहा है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस में से एक यूनिट सेल को आपने चूज किया, तो ये जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पर एटम का सारा हिस्सा इसी यूनिट सेल में तो नहीं है ना, साइड वाली यूनिट सेल में भी तो होगा। अब कितना उनमें गया, कितना इसमें गया, ये आपको करना है, लेकिन फिलहाल आपने बस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया। अब सेकंड अपने पास क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और क्रिस्टल सिस्टम कौन सा क्यूबिक।
तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या आएगा, सभी फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा और कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ये कॉर्नर पे और सभी फेस सेंटर पे, ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, टोटल 6 फेसेस होते हैं, ये फ्रंट ये बैक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड टाइप है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो क्या बोल देंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर मतलब क्या होता है कि इस क्यूब के अंदर जो बॉडी का सेंटर है, यहां पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा और कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही है। और लास्ट अपने पास क्या हो गया, फोर्थ एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ये पढ़ना नहीं है वैसे, लेकिन आप बना लो, बनाने में क्या जाता है, इसके लिए कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं करेंगे। एंड सेंटर्ड क्यूबिक में कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर्स पे, और दो ऑपोजिट फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होता है, और बाकी 4 फेस सेंटर यहाँ पे खाली होते हैं। और एक लास्ट आपको और कौन सा पढ़ना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बना देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये इसका सही स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, केवल ये आपको मॉडल बना के दिखा रहा हूँ मैं अभी, इसमें कहाँ कहाँ पे एटम प्रेजेंट है वो भी आपको नजर ही नहीं आएगा, ये सबसे बाद में पढ़ेंगे, इसको हम पैकिंग के साथ ही पढ़ेंगे कि कौन सी टाइप की पैकिंग आपको करनी पड़ेगी ताकि उसमें यूनिट सेल HCP यूनिट सेल आ जाए, तो ये सबसे बाद में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने क्या पता कर लिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। अब इन लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट पार्टिकल, कांस्टेंट पार्टिकल बेसिकली आप क्या कंसिडर कर रहे हो, एक स्फीयर, और कांस्टेंट पार्टिकल किसका हो सकता है, या तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। अब आपको ये चेक करना है कि इस यूनिट सेल के अंदर जो अपने पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कितना है। तो आप पता है क्या कर सकते हो कि सर 8 कॉर्नर्स पे 8 प्रेजेंट है तो टोटल 8 हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना, इसके लिए आपको एक फिगर देखना पड़ेगा और उस फिगर से आपको ये पता चल जाएगा कि कॉर्नर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, या फेस सेंटर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, या बॉडी सेंटर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, इनकी वजह से कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में जाएगा और कितना हिस्सा बाहर वाली या साइड वाली यूनिट सेल में जाएगा। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हर टाइप के लैटिस पॉइंट से क्या कंट्रीब्यूशन मिलता है यूनिट सेल में। तो एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस फिगर को आप अच्छे से देख लेना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट टू अ यूनिट सेल, क्योंकि इस फिगर को मैं तो नहीं बना पाऊंगा अच्छे से। जैसे मान लो कि अगर कॉर्नर की बात की जाए, तो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे ये एक एटम प्रेजेंट है, कंप्लीट स्फीयर प्रेजेंट है, तो बताइए इस कॉर्नर का कितना हिस्सा एक क्यूब मतलब कि एक यूनिट सेल में जा रहा है। तो बहुत ईजी है, ये यूनिट सेल आपने बना दिया, एक कॉर्नर से कितने क्यूब निकल सकते हैं, 4 एकदम गलत है भाई, इससे टोटल 8 क्यूब निकलेंगे, 4 इनके ऊपर भी है, तो ये जो एक स्फीयर है ये टोटल 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितना आ रहा है, 1/8 ऑफ स्फीयर या कांस्टेंट पार्टिकल, एक यूनिट सेल में केवल 1/8 ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल आ रहा है, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपने किसका देख लिया, कॉर्नर का। सिमिलरली आपको और किसका देखना है, फेस सेंटर का। अब फेस सेंटर का तो बहुत ईजी है, जैसे इस रूम को कंसिडर कर लो, इस रूम में ये फेस हो गया, अब ये फेस किससे कनेक्टेड है, अगले वाले रूम से, तो अगली वाली यूनिट सेल और ये वाली यूनिट सेल, दो यूनिट सेल के बीच में एक फेस सेंटर प्रेजेंट है और इस फेस सेंटर पे कंप्लीट एटम प्रेजेंट है, तो हाफ एटम तो इस रूम में है और हाफ एटम अगले वाले रूम में है, तो बेसिकली कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, हाफ ऑफ एटम। थोड़ा इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये डायग्राम तो मैं बना दूंगा, जैसे मान लो कि ये हटा देता हूं, ये एक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल, ये फेस हो गया, दोनों के बीच में एक फेस है, तो आधा एटम इधर प्रेजेंट है, आधा एटम इधर प्रेजेंट है, तो हाफ कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में आ रहा है, हाफ कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में आ रहा है। फेस सेंटर से एक कांस्टेंट पार्टिकल का हाफ कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कॉर्नर से आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 1/8। अब आ जाते हैं बॉडी सेंटर से, और एक लास्ट होता है एज, एज के अबाउट भी अगर कहीं पे एटम प्रेजेंट है तो कितना कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में आने वाला है। बॉडी सेंटर का तो बहुत सिंपल है, बॉडी सेंटर का जो एटम है वो तो यूनिट सेल के कंप्लीटली इनसाइड है, तो फुल कंट्रीब्यूशन आएगा वन टाइम, कंप्लीटली इनसाइड यूनिट सेल,
तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, वन टाइम ही आएगा। और एक आ गया अपने पास एच, सेंटर पे अगर प्रेजेंट है, एंड स्टैंडर्ड यूनिट सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, बस इतनी बात कर रहा हूं कि कांस्टेंट पार्टिकल मतलब कि लैटिस पॉइंट कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर ये जो अपने पास यूनिट सेल होती है इसकी एजेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एजेस पे मतलब ऐसा नहीं कि इधर प्रेजेंट होंगे या इधर प्रेजेंट होंगे, एज के एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर एटम प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, आप खुद देख लो। जैसे मान लो कि ये एज है, इस एज के अबाउट कितनी यूनिट सेल पास कर सकते हैं, तो टोटल 4 कंपार्टमेंट बन रहे हैं, एक कंपार्टमेंट, दो, तीसरा और चौथा। तो इस एज के अबाउट कितना कंपार्टमेंट या कितनी यूनिट सेल कनेक्टेड है, 4। तो इस एज में अगर यहाँ पे एक सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है तो सेंटर का 1/4 पार्ट ही एक कंपार्टमेंट एक यूनिट सेल में जा पाएगा। तो क्या पता चल गया, 1/4 ऑफ एटम। तो आपको यह पता चल गया कि हर टाइप के लैटिस पॉइंट का कितना कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में आएगा। तो अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि जितने भी यूनिट सेल आपने पढ़ी है, हर किसी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पता कर सकते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में कितना आएगा, बॉडी सेंटर्ड में कितना आएगा, फेस सेंटर्ड में कितना आएगा। एचसीपी यूनिट सेल में अभी नहीं देखना है और एंड सेंटर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, या उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। अब ध्यान से देखना, सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर्स पे होता है, क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल प्रिमिटिव टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं अपने पास, 8। एक कॉर्नर से कितना आता है, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, तो 1 एटम ही प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि 8 एटम प्रेजेंट है तो 8 एटम प्रेजेंट नहीं है, 8 लैटिस पॉइंट है और हर एक किसी लैटिस पॉइंट से 1/8 कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है, तो कंप्लीट 1 स्फीयर ही प्रेजेंट हो सकता है, एक ही एटम यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड अपने पास क्या आ गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड टाइप का अरेंजमेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। तो 8 × 1/8 एक ही बॉडी सेंटर होता है, किसी भी यूनिट सेल में एक ही तो बॉडी सेंटर हो सकता है, और इस बॉडी सेंटर से क्या कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 1। तो यहाँ पे 2 एटम आ जाएंगे इफेक्टिव। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, जेड से। और थर्ड अपने पास आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो फेस सेंटर टाइप का अरेंजमेंट है, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो बताइए फेस सेंटर अपने पास कितने होते हैं, 6। हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से मिलेगा, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होता है, तो 1/8 × 8 कॉर्नर्स, टोटल आ जाएगा यहाँ से 4 एटम्स। तो अभी तक आपने क्या देख लिया कि क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप का यूनिट सेल आपको मिलेगा। ये यूनिट सेल अपने पास टोटल 14 टाइप का हो सकता है, इसमें से केवल 4 यूनिट सेल पे आपको फोकस करना है। ये 4 यूनिट सेल कौन सी है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और एक एचसीपी यूनिट सेल, वो बहुत बाद में पढ़ेंगे। अब फिर आपने क्या बता दिया कि यूनिट सेल आपने अच्छे से बना लिया, इनमें लैटिस पॉइंट अच्छे से बना लिए और हर किसी लैटिस पॉइंट का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन पता कर लिया। कंट्रीब्यूशन पता करने के बाद आप ये पता कर पाए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और कांस्टेंट पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल व्हिच इज कॉल्ड एज जेड। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 1 एटम, कंप्लीट एक एटम प्रेजेंट हो सकता है। बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, फेस सेंटर्ड में 3 होते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी यूनिट सेल है, इन यूनिट सेल के बारे में काफी सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने होंगे। जैसे मैं बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं, और बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट है, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या बना दिया मैंने, सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक में आपसे क्या पूछा जाएगा कि जैसे मान लो कि स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस क्या हो गई आर, और क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज है, क्यूबिक यूनिट सेल में तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, तो ए की एच पे आपको ध्यान देना है। आर और एच लेंथ, रेडियस ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल एंड एच लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, टोटल पैक्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। इस क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो तो कोई भी बता सकता है, कितना वॉल्यूम होगा, ए क्यूब, लेकिन इसमें से पैक कितना हो रहा है और कितना खाली है। तो पैक किसकी वजह से होता है, एटम की वजह से, खाली जगह पैक नहीं होती। और इसके अंदर एटम कितना है, एक। इफेक्टिवली कितना एटम प्रेजेंट है, एक। एक एटम का क्या वॉल्यूम होगा, 4/3 πr³। तो 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशियंसी। तो ये दो रिलेशन तो आपको पता करने, डेंसिटी आपको बताना है,
डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। इस यूनिट सेल के अंदर कितना मास है, मास तो एटम का ही होता है, खाली जगह का नहीं होता ना, तो एक एटम का जितना मास है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम, ये यहाँ से डेंसिटी आ जाएगा। और अपने पास क्या आ सकते हैं, ये ऐसी चीज़ें भी पूछे जा सकती हैं, नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या है कि ये जो लैटिस पॉइंट है ना, इसके साथ जो नियरेस्ट नेबर है उसकी क्या डिस्टेंस हो सकती है, तो ये डिस्टेंस आपको पता करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको हर किसी टाइप के यूनिट सेल में बताना होगा।